इस तरफ वो कोने वाला वो सामने किला ये ओ दरख्त नहीं 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 इस तरफ उधर अभी ये खाली थोड़ी देर फिर भी लाइट हटा दो आप लाइट हटा दो मैंने खुद दो दफा रिकॉर्ड हुआ है मेरे पास रिकॉर्ड हुआ जैसे जी जी कोई ऊपर आए वापस नीचे गए हम लोगों को देख के वो दरख्त नहीं दरख्त के साइड में पिलर के पास मेरे को डर लग रहा है साथ है साथ है बाबा साथ ना, ना, रुके, रुके, साथ, रुके। साथ 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 आ मैंने देखा बिल्कुल देखा मैंने कहा मैं रिकॉर्डिंग हुई थी वही था कैमरा जी जी मेरा कैमरा वहीं पे ही है कौन है मैंने खुद अभी अभी वही था कैमरा मैंने खुद देखा सुन भाई ये पिलर के साथ दो दफा एक भी नहीं अच्छा की करे मैंने देखा पिलर के साथ कोई था ऊपर आया और नीचे हुआ जी मेरे पास आया है अल्लाह के रिकॉर्डिंग में ये चेक कीजिएगा जी ये मैंने खुद देखा है कोई ऊपर होके नीचे हुआ था एक दफा भी नहीं दो तीन दफा बोल भाई फिर ये दो से तीन दफे के हम पे हमला तो नहीं करेगा मेरे को खुद ही डर हो रहा है नहीं नहीं साथ है पापा भी तो साथ है वो इंसान पे तो नहीं किया ना उसने हमला अभी तक नहीं अल्लाह खैर कुछ नहीं है कुछ नहीं है शेकिंग यार मैंने खुद देखा वैसे मुझे लग रहा था पहले पौधे हैं लेकिन वो पौधे नहीं थे पौधे ही समझा ऐसे बाकायदा कोई सर उठा है ऊपर और नीचे हुआ है बस थोड़ा सा होशियारी से आज काम करना है यार देखभाल के इसे रिलीज कर इसे छोड़ दें आपको बाहर तक चलो वो चेक कर देखा वो देखे मैंने देखा छोड़ दें आपको बाहर तक चलो वो चेक कर देखा वो देखे मैंने देखा लाइट जब पड़ती है ना आपकी तो चीज हट जाती है अच्छा वो मैं समझ रहा हूँ काफी जैसे ठीक है कोई मसला नहीं आ जाए इधर की बात नहीं भाई आप आइए हमारे यहाँ आपने कुछ देखा है मैंने भी देखा था सर ऊपर करके बैठा हुआ था अभी तो सर देखा लेकिन उससे पहले उस बला को देखा है कभी अभी नहीं अभी देखा था तुमने देखा मैंने भी देखा वो उसी को ही समझ रहे हैं सर पे लेकिन मेरे को भी शक हो रहा है वो ही है जी नहीं और कौन होगा सर पे और कौन एक बात बताएं कि 10-15 फुट की हाइट पे कौन होगा और कोई नहीं ये हाइट दिखाएं दीवार के सामने ये पीछे वाली जो है पीछे वाली वो देखें पीछे वाली 15 फुट से ऊपर वो देख रहे हैं 10 फुट तो कहीं नहीं गई ना 10 फुट तो 10 फुट से ऊपर कौन देखेगा इधर है कौन आसपास जंगल में कौन आएगा तो मकसद है कि हम बहुत ज्यादा मोहताज होकर चले हैं आज खैर चले फिकर नहीं भाई आगे आएगा साहब ये आएगा इस भाई को रिलीज करते हैं आ जाए भाई कोई टेंशन नहीं बात बहुत ज़्यादा बात ये है ये तो कह रहे हैं ठीक है कि उसने यहाँ किसी इंसान पर हमला नहीं किया लेकिन मैंने अभी एक वाक्य शेयर किया पिशावर के इलाके से आया है बच्ची पर जो हमला आपने देखा होगा SSD में उसका भी खून चूस लिया गया खाया नहीं गया एक दिन बाद मिली है वो बच्ची वो मरे भी खेतों से बुरा लगना
और एक सिर्फ खून का खून नहीं है उसमें, कुछ नहीं खाया गया उसका। कौन सा जानवर है सोहेल भाई? यही है। आज तक कभी इंसान पे हमला किया नहीं था उसने। तो ऐसा नहीं सर भाई कि ये पिछले 2-4 सालों में इनकी तादाद बढ़ रही है, वाकयात भी बढ़ रहे हैं यार। दुनिया में तो 1970 से ये मसाइल चल रहे हैं, लेकिन अब जो है ना यहाँ पर ये चीज़ बढ़ रही है। उसके अलावा कोई ऐसा देखें, वो और गवाह भी थे लोग, 4-5 बच्चे खेल रहे थे फसलों में जी। बाकी चीखों पुकार करके भाग गए, कह रहे थे कोई बड़ी सी मखलूक आ गई अजीब सी, वो बाकी भाग गए और वो बच्ची गायब थी वहाँ से। एक दिन लगा ढूंढने में, एक दिन बाद मिली, कुछ नहीं खाया गया। खून नहीं था बॉडी में, कैसे? ये तो हुकूमत को कुछ करना चाहिए। कर रहे हैं, सब लगे हुए हैं, वाइल्ड लाइफ आपका, फोर्सेस आपकी, हर कोई लगा हुआ है, सब लगे हुए। लेकिन ये फाइंडिंग है ना, ये शायद हमारे प्रोग्राम से इनको पता चले कि शायद ये मिट्टी में रहता है। मैं ये बात कह रहा हूँ आज तक हम किस नतीजे पे पहुंचे थे कि जहाँ पानी होता है ना करीब, ये वहाँ रहता है। वजह, जहाँ पानी होता है शायद वहाँ मिट्टी नरम होती है, शायद मिट्टी गीली होती है। जैसे यहाँ अभी बारिश की वजह से मिट्टी गीली हो चुकी है, हमें क्या लग रहा था पानी में से आता है। पानी जहाँ करीब होता है ना, जहाँ मिट्टी नरम होती है, शायद ये वहाँ से आता है। और ये शायद अपने ऊपर खुद ही घड़ा खोद के मिट्टी ओढ़ लेता है। ये देखें, बर्फानी रीछ, दूसरे रीछ 6 महीना खाते हैं और 6 महीने के लिए हाइबरनेटिंग मोड पे चले जाते हैं ना। बिल्कुल हाइबरनेटिंग मतलब वो छुप जाते हैं अपने आप को, एक जगह पे रिजर्व हो जाते हैं, एक जगह पे निकलते नहीं है, उस जगह बंद कर लेते हैं। क्या ये बारिशों में या इस सीज़न में निकलता है बाहर? क्योंकि अब तक हमारे साथ तो ये थी, हर साल इसी सीजन के अंदर चीज सामने आती है। याद है कामरान भाई गन लेके बैठे थे, बैठे थे मोर्चे में, और हम तो कुछ और सोच के आए थे शायद, लेकिन ये यार दो तीन बार हमने रिकॉर्ड किया किसी को ऊपर उठते हुए नीचे जाते हुए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये हमारे जाने का वेट कर रहा है। बिल्कुल सज्जद भाई, ये लाइट की वजह से, आपको वहाँ पे भी याद होगा ना जब मोर्चे में बैठे थे, लाइट की वजह से ये नहीं आ पाया, नहीं आ पाया हमारे पास। हालांकि जानवर बंधे हुए थे, बंधे हुए थे सब चीज यार। कोई जानवर ठीक हो आप? सही हो? लिया जी, जानवर को बांध के भी देख लिया हमने, क्या मतलब कई लोगों ने घात लगा के देख लिया। ये तो नहीं साहब कि हमें मेरी ये लाइट में बंद कर दूं और मोबाइल की लाइट में हम शूट करें। इसका एक हल निकाला था हमने कि ऐसे पिंजरे में बनाएं, ऐसे जाल में बनाएं, जैसे शेरों को या दूसरों को, बड़े जानवरों को पकड़ने के लिए बड़े पिंजरों के अंदर लगाया जाता है ना घात, वैसे लगाया जाए, खुद ना हो वहाँ पर। आप खुद होंगे तो कभी नहीं आएगा। उन्होंने भी तो एक पिंजरा बनाया था दिखाया था, हाँ उसमें भी नहीं आया, उसमें भी नहीं आया, यानी कि बहुत ज़्यादा चला गया।